देश भर की कलाओं को एक बंधन में पिरोते जाएंगे। एक जो हुए हम तो क्या ना कर जाएंगे। एक अथवा पैतनिष्क जी मैम, आज पौधारोपण किया गया कहाँ पर? आज जो पौधारोपण किया है वार्ड नंबर 66 में, जो जिनके जो पार्षद है वो नीरज जैन जी हैं, और जो ये गार्डन है वो भक्त प्रहलाद गार्डन, गार्डन नंबर 3 है, इसमें पौधारोपण किया गया है। और ये पौधारोपण जो है मदर अर्थ फाउंडेशन और जो यहाँ की शास्त्री नगर विकास विस्तार विकास समिति है उनके द्वारा यहाँ पर पौधारोपण किया गया और इस कार्यक्रम रखा गया उसका। तो ये शहर में आज जो पौधारोपण रखा गया ये बहुत मतलब अच्छा कार्यक्रम है ये, और मैं सभी को यही मैसेज दे रही हूँ, संदेश दे रही हूँ कि भाई आप अपने आसपास भी पौधे लगाएं, तो जो ऑक्सीजन की भी कमी हुई थी वो कमी पूरी हो जाए और पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने अजमेर शहर में लगे, तो अपना अजमेर हरित अजमेर के नाम से पहचाना जाए। बस इतना ही कहूँगी, धन्यवाद। सांसें हो रही है कम, आओ पेड़ लगाएं हम। इस अभियान के साथ मदर अर्थ फाउंडेशन ने अजमेर में 1,00,000 पौधे लगाने का, पेड़ लगाने का संकल्प लिया है। उसी संकल्प की परिणति में आज मेरे वार्ड में शास्त्री नगर क्षेत्र में यहाँ की विकास समिति विस्तार जो है उसके साथ मिलकर के जो पार्क नंबर 3 है, प्रहलाद भक्त प्रहलाद पार्क और वीर हकीकत राय पार्क, पार्क नंबर 4, वहाँ पर वृक्षारोपण का ये कार्यक्रम पूरी विकास समिति के सारे मेंबर्स, यहाँ रहने वाले यहाँ के निवासी और मदर अर्थ फाउंडेशन, ग्रीन आर्मी सब ने मिल करके किया है। यहाँ पर जो पाम ट्री है वो भी लगाए गए हैं और वहीं पारिजात हरसिंगार के पौधे लगाए गए हैं, और ये जो वॉकवे है उस वॉकवे के साथ में अशोक के पेड़ लगाए गए हैं। निश्चित रूप से जिस प्रकार से सामाजिक संगठन एनजीओज ने बढ़ चढ़ करके अपनी भागीदारी वृक्षारोपण में तय की है, ये एक अद्भुत प्रयास है, अकल्पनीय है। मैं साधुवाद दूंगा मदर अर्थ फाउंडेशन को, उनकी पूरी टीम को, जो लगातार हर महीने के अंतिम शनिवार के दिन ये वृक्षारोपण करती है। आज भी इन्होंने सुबह एक स्थान पर वृक्षारोपण किया है और उसके बाद आज यहाँ पर वृक्षारोपण करने आए। निश्चित रूप से इनका जो 1,00,000 का लक्ष्य है, इस प्रकार आम जन और जनता इनका सहयोग करती रही, सहायता करती रही, तो ये अपने 1,00,000 के लक्ष्य को जल्दी प्राप्त करेंगे, ऐसी मैं शुभकामना करता हूँ, ऐसी मैं सदिच्छा करता हूँ। मदर फाउंडेशन की तरफ से मैं ट्रस्टी आशीष राजौरिया, हम सभी ने मिलकर एक शुरुआत की है जिसमें हमारे बड़े भाई नीरज जी जैन साहब, मैडम ब्रजलता हाड़ा जी, इन सभी के सहयोग से, सभी के मार्गदर्शन से मैं शुक्रिया करूंगा शास्त्री नगर के सभी निवासियों का जिन्होंने हमें मौका दिया, हमारे साथ सहयोग किया। हमारे द्वारा जो वृक्ष लगाए गए हैं यहाँ पे, वे इन्होंने अडॉप्ट किए हैं और उन्हीं वृक्षों को हम लोग 3 साल तक देख रेख करेंगे। हमारी संस्था का जो मेन मकसद यही है कि हम पेड़ों को अकाउंटेबल करते हैं, जहाँ भी पेड़ लगते हैं हम गिनते हैं बाकायदा, और 3 साल तक हम उनका देख रेख करते हैं, जिससे कि जो संख्या वृक्षों की है वो कभी कम ना हो। अधिकतर क्या होता है, प्राकृतिक कारण से पेड़ ख़त्म हो जाते हैं, कहीं ना कहीं कभी कोई किसी में दीमक लग जाता है, कई बार पानी शायद ज़्यादा हो जाता है, बारिश ज़्यादा आ गई, या कई बार पानी कम होने से हो जाता है, तो संस्था इसको दोबारा रिप्लेस भी करती है। हमने आज जो यहाँ पे पेड़ लगाए हैं वो 3 साल तक, जब तक अपने पाँव पे खुद सक्षम ना हो जाए, जब तक वो ज़मीन से खुद पानी खींचने की शक्ति नहीं आएगी, तब तक उनका ध्यान रखेंगे और समय समय पे शास्त्री नगर की विकास समिति के सहयोग से आगे इसको कार्यरत करेंगे।